हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट एंड यू आर वाचिंग संगीता रोशन। चलिए देख लेते हैं एक बार आज की रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिए हैं 1 किलो कच्चे आम, और इसमें से देखिए इसे हम अच्छे से, हमने इसे वॉश कर लिया है और सुखा लिया है, कपड़े से सोख कर लिया है अच्छे से, और अब इसे हम कट करेंगे इसके पीसेस। तो ये इस तरीके से, अब इसके अंदर जो गुठली है उसे हम निकाल देंगे, बिकॉज इस टाइम पे जो कच्चे आम आ रहे हैं उनकी गुठलियाँ ईजीली निकल जाती हैं। अब इन्हें हम इस तरीके से कट करेंगे, 3 पीसेस में इसे मैंने कट किया है। देन अब इसके भी हम पीसेस करेंगे, तो अब इनके भी हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, जितने आप अपने हिसाब से, जितने बड़े आप साइज़ चाहें आम का, आम के अचार का, उतना आप इसको उस तरीके से कट कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से करके दिखा रही हूँ, और इसी तरीके से पूरे जो हमने 1 किलो कच्चे आम लिए थे इन्हें हमने अच्छे से कट कर लिया है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक, और नमक डाला है मैंने 1.5 चम्मच, और हल्दी डालेंगे 1 चम्मच। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद इसे लगभग 2 घंटे के लिए हम ढक करके छोड़ देंगे, ताकि जो भी ये कच्चे आम हैं ये अपने अंदर का पानी जो भी है वो छोड़ देंगे तब तक। तो ये देखिए, अब 2 घंटे बाद जब हम इसका ढक्कन ओपन करेंगे तो इस तरीके से जो आमों ने नमक डाला था हमने, तो इन्होंने अच्छे से पानी छोड़ दिया है। अब उसके बाद हम इन आम के पीसेस को अलग कर लेंगे और इन्हें धूप में सुखा लेंगे। तो ये मैंने धूप में इस तरीके से इन्हें अच्छे से 4 से 5 घंटे तेज़ धूप में सुखा लिया है। अब इसके बाद हम बनाएंगे इनके लिए स्टफिंग, जो भी इनके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई, और उसमें डालेंगे 2 बोल सरसों का तेल, और ये मैंने लिया है लगभग 200 ग्राम सरसों का तेल। और इसके बाद हम इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे सरसों के तेल को, और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम एक पैन लेंगे और उसमें लेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैंने लिया है सौंफ, ये 3 बड़े चम्मच सौंफ है, राई के दाने 2 बड़े चम्मच, मेथी दाना 1 बड़ा चम्मच, जीरा लिया है साबुत 2 बड़े चम्मच, और सरसों ली है, सरसों के दाने लिए हैं 1 बड़ा चम्मच, और ये कुछ मैंने इसके अंदर ली हैं साबुत लाल मिर्चें। अब इन सबको हमें क्या करना है, सबसे पहले तो पैन को अच्छे से गर्म कर लेना है, और उसके बाद इनको डालने के बाद हार्डली 1 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट करना है, और गैस का फ्लेम को अब हमें ऑफ कर देना है सिर्फ 1 मिनट के बाद ही। और फिर इन्हें ठंडा करके इन्हें अच्छे से मिक्सी के जार में हम पीस लेंगे। उसके बाद हम लेंगे एक बर्तन थोड़ा सा गहरा वाला, और उसमें डालेंगे, देखिए हमने ये जो पूरे मसालों को ग्राइंड कर लिया था, पीस लिया था वो, और हल्दी डालेंगे इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, अजवाइन डालेंगे 2 चम्मच, कलौंजी डालेंगे 1 चम्मच, नमक डाला है मैंने इसके अंदर 2 बड़े चम्मच और, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में भी नमक लिया था तो उसी हिसाब से नमक डालना है इसके अंदर। अब डालेंगे इसमें हींग 1/2 चम्मच, और सिरका मैंने इसमें डाला है 3 बड़े चम्मच। उसके बाद ये जो हमने तेल गरम कर लिया था अच्छे से वो है, उसमें से हमें आधा ही ऑयल डालना है, आधा ही तेल डाला है मैंने इसके अंदर, और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, ताकि ये जो मसाले हैं ये तेल में, विनेगर में जो हमने सिरका डाला है, और जो भी मसाले हैं नमक वगैरह, अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, और ये मसाला ही देखने में इतना टेम्पटिंग लग रहा है कि अचार जब बनेगा तो बहुत ही यम्मी बनेगा। अब जो हमने आम सुखा करके रखे थे उन्हें इसके अंदर डाल दिया है मैंने, और इन्हें भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल आराम आराम से चम्मच की हेल्प से इसे मिक्स कर लेना है, मसालों को आम के अंदर अच्छे से कोटिंग कर देनी है। तो ये देखिए, ये ऑलमोस्ट हमारा आम का अचार बन के तैयार हो चुका है। अब ये देखिए, देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है। और अब क्या करना है हमें, अब हम एक कांच का जार लेंगे, कांच के जार में अब इसे हम डाल देंगे, इसे आराम आराम से इसके अंदर भर लेंगे हम। और ये पूरे आम का अचार इसमें डालने के बाद जो बाकी का बचा हुआ तेल है उसे हम ऊपर से डाल देंगे, और अब इसका हम ढक्कन ढक लेंगे, और 4 से 5 दिन तक इसे अच्छे से धूप में रखना है, 4 से 5 घंटे डेली, यानी 4 से 5 दिन, और रोज़ इसे 4 से 5 घंटे धूप में रखना है। और उसके बाद ये अचार बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, उसके बाद आप इसे इंजॉय करें। और ये जो अचार है ये सालों साल ख़राब नहीं होता है, और ये बहुत ही डिफरेंट इसका टेस्ट आता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही यम्मी बनता है ये। और अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी खा सकते हैं, जैसे अभी बनने के बाद भी इसे आप इंजॉय कर सकते हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है अचार।
तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी तो पसंद आई गई होगी, और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो नीचे दिए हुए लाइक के बटन को एक बार प्रेस जरूर करें, और इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नए एंटरटेनिंग वीडियो के साथ, और मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो जरूर करें। बाय बाय।